Hello students, welcome again. This is Vinay Pandey. Students, central orbit ka jo next lecture aaj main aapke samne lekar ke aaya hu, is lecture mein hum central orbit se related numericals solve karenge. Iske jo pehle ke videos hain, un videos mein maine aapko central orbit ke bare mein definitions aur central orbit ki jo differential equation thi wo polar form aur pedal form dono forms mein uska derivation pura complete derivation bataya tha. तो अगर वो डेरिवेशन आप देखना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो आज का जो वीडियो है वो मेनली हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स पे. पोलर फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेंट्रल ऑर्बिट की, वो उसका जो प्रूफ किया था हमने वो था डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. ये पी था, वो जो फोर्स एक्सेलरेशन जो वर्क कर रहा था वो पी था. और यू क्या था? यू था वन अपॉन आर. आर क्या था? किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन की सेंटर ओ से जो डिस्टेंस थी उसको हमने आर ली थी. तो वन अपॉन आर को यू सब्सटीट्यूट करके ये पोलर फॉर्म आ रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी? सेंट्रल ऑर्बिट की. पहला न्यूमेरिकल क्या है? अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स दिस कर्व आर एन. कर्व क्या दिया हुआ है आपको? आर एन इज इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा अंडर अ फोर्स टू द पोल. टू द पोल का मतलब यह है कि जो फोर्स लग रहा है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है. जैसे हमने जो डेरिवेशन किया था उसको पी पॉइंट माना था, ये आर था और ये एंगल थीटा माना था. ये आर कोमा थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स थे, डिस्टेंस आर मानी हुई थी हमने. तो ये ओ जो था ये इसको हमने पोल माना था. हमें माना था कि लेट ओ, ओ मीन्स ओरिजिन, बी द पोल. पोल का मतलब यह है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, सेंटर ऑफ फोर्स जो है वो है ओ. तो आपको लॉ ऑफ फोर्स बताना है कि लॉ ऑफ फोर्स का मतलब यह है, फोर्स इसमें क्या था? पी. लॉ ऑफ फोर्स बताने का मतलब यह है कि पी और आर में क्या रिलेशन है. पी और आर में क्या रिलेशन है मीन्स जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और जो फोर्स लग रहा है उसमें किस तरीके का रिलेशन है, वो रिलेशन हमको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और आर एन इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा में जो आपको फोर्स और आर में जो रिलेशन डिफाइन करना है वो कैसे डिफाइन हो पाएगा? वो डिफाइन हो पाएगा पोलर फॉर्म में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन किया हुआ था. उस डेरिवेशन में हम यहाँ से वैल्यूज निकाल करके सब्सटीट्यूट करेंगे और सब्सटीट्यूट करने के बाद पी और आर में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हम इसमें लॉग ले लें दोनों साइड, टेकिंग लॉग, ये बन जाएगा एन लॉग आर एन लॉग ए प्लस लॉग कॉस एन थीटा. और जो आर था, आर क्या था? आर इक्वल टू था वन अपॉन यू. तो ये बन जाएगा एन लॉग वन अपॉन यू एन लॉग ए प्लस लॉग कॉस एन थीटा. अगर इसका रेसिप्रोकल हम करते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये लॉग यू बन जाएगा एन लॉग ए प्लस लॉग कॉस एन थीटा. अब आपको क्या करना है? ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. कौन कौन सी वैल्यूज? डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर आपको निकालना है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या मिलेगा हमको? माइनस एन अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो. और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पहले लॉग का होगा कॉस एन थीटा अपॉन में आ जाएगा और कॉस एन थीटा का माइनस एन साइन एन थीटा. एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टैन एन थीटा. यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू टैन एन थीटा. अब इसको डिफ्रेंशिएट फिर से करते हैं. डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी थीटा टैन एन थीटा ऐसे रहेगा, फिर यू ऐसे रहेगा और टैन एन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एन थीटा और एन थीटा का क्या हो जाएगा? एन. तो ये जो वैल्यू है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर में, अगर आप डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी यू अपॉन डी थीटा कितना आ रहा था? यू टेन एन थीटा, एक और टेन एन थीटा आ जाएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा.
तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये वैल्यू आपको इस पोलर फॉर्म में सब्सटीट्यूट करनी है, यू टैन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक्स स्क्वायर एन थीटा प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तीनों में यू कॉमन आ रहा है और इस एच स्क्वायर यू स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर यू क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, टैन स्क्वायर एन थीटा प्लस यू, सॉरी यू तो कॉमन लिया था हमने, एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर यू स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया था। अब आप देखिए एच स्क्वायर यू क्यूब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू पी एच स्क्वायर यू क्यूब, सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन आ रहा है, वन प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू पी। स्टूडेंट्स आपको इसमें ध्यान ये रखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको रिलेशन किस में निकालना है, पी और आर में। पी और आर में जब आप रिलेशन फाइंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस फॉर्म तक लेके आना है कि आपका थीटा उसमें से एलिमिनेट हो जाए। तो अभी तक फिलहाल थीटा एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हमको थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आपको कुछ ये रिलेशन यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। ये एच स्क्वायर यू क्यूब वन प्लस एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आर की पावर एन इज इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा है, तो उनका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो वन अपॉन आर की पावर एन वन अपॉन ए एन, और वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एन थीटा, तो सेक एन थीटा कितना हो जाएगा, ए एन अपॉन आर एन, और इसका भी क्या चाहिए हमको, स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो एच स्क्वायर वन प्लस एन यू क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा ए की पावर टू एन, और आर की पावर टू एन इज इक्वल टू पी। तो हमने सेक स्क्वायर, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आपको थीटा को भी उसमें से एलिमिनेट करना, तो थीटा आपको हटाना पड़ेगा, थीटा हमने यहाँ से हटा दिया। अब आप देखिए ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर वन प्लस एन ए की पावर टू एन और वन अपॉन आर की पावर क्या हो गया, टू एन प्लस थ्री। जो सेंट्रल ऑर्बिट के डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन किया था उसमें हमने देखा था एच कांस्टेंट था, एन कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, और ये भी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि अगर जैसे एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई है तो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटता है तो कांस्टेंट आता है सी, और अगर आप कांस्टेंट हटा करके प्रोपोर्शनल बनाओगे तो ये सारे जितने कांस्टेंट है वो सब हट जाएंगे, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हटेंगे तो क्या आ जाएगा, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टू एन प्लस थ्री एथ पावर ऑफ आर। तो जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू एन प्लस थ्री एथ पावर ऑफ आर, और यही क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ फोर्स जो आपको पहले वाले केस में डिफाइन करना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएट करके जो पोलर फॉर्म का डेरिवेशन था उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और आपको पी और आर में रिलेशन फाइंड करना है, और पी और आर में रिलेशन फाइंड करने के लिए ये ध्यान रखना है कि उस स्टेप में थीटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि थीटा भी एक वेरिएबल है, तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल उसमें रहना है, आर थीटा वाला वेरिएबल हटाना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आप देखिए, हैंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच अ कार्डियोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। कार्डियोइड की इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस टू थीटा, तो ये कार्डियोइड की इक्वेशन होती है। इस कार्डियोइड की इक्वेशन के लिए भी आपको लॉ फोर्स निकालना है, लेकिन आपको यूज़ करना है पहले वाले पार्ट का। तो पहले वाले पार्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर जो इक्वेशन आपको आर इज इक्वल आर की पावर एन इज इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा में अगर हम इसी इक्वेशन में एन की जगह पे वन बाई टू रख दें, तो वन बाई टू रखने पे क्या होगा, आर की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन,
तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा ए बाई टू। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैंने अभी कार्डियोड की इक्वेशन लिखी थी, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ए हो या ए बाई टू हो, कांस्टेंट होना चाहिए, और वन प्लस कॉस थीटा तो आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जैसे ही इस इक्वेशन में एन की जगह पे वन बाई टू रखा, तो ये इक्वेशन किसकी बन गई, कार्डियोइड की। और इस केस में हमने लॉ ऑफ फोर्स निकाला था, वो क्या था, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर टू एन बाई थ्री, ये आ रहा था लॉ ऑफ फोर्स इसके लिए। और जैसे ही इसमें एन की वैल्यू वन बाई टू रखी तो ये कार्डियोइड बन गया, तो लॉ ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फिर लॉ ऑफ फोर्स हो जाएगा इसके लिए, जैसे एन की वैल्यू वन बाई टू हमने यहाँ रखी तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी, तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितनी, टू इंटू वन बाई टू प्लस थ्री, कितना हो जाएगा, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर फोर। तो ये लॉ ऑफ फोर्स हो जाएगा कार्डियोइड के लिए। तो दो पार्ट हमने इसमें प्रूव कर लिए, एक लॉ ऑफ फोर्स इसके लिए निकाला, और जैसे एन की वैल्यू वन बाई टू रखी तो ये कार्डियोइड बन गया, और कार्डियोइड में हमने लॉ ऑफ फोर्स पहले वाले रिजल्ट का यूज़ करके निकाला, आर की पावर फोर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है पी, यानी कि लॉ ऑफ फोर्स हो गया है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें भी आपको लॉ ऑफ फोर्स डिफाइन करना है, आर की वैल्यू ये दी है, तो आर इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा और ए इसमें कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल आर आर और थीटा हैं सिर्फ, तो आपको फिर उसी तरीके से आर क्या था, वन अपॉन यू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा, तो यू इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस थीटा कॉट अल्फा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी यू अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कॉट अल्फा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा थीटा कॉट अल्फा का, माइनस कॉट अल्फा, तो डी यू अपॉन डी थीटा, ये वन अपॉन ए की पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से यू, तो हो जाएगा माइनस यू कॉट अल्फा, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा, और कॉट अल्फा ऐसे रहेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस यू कॉट अल्फा, तो ये प्लस हो जाएगा यू कॉट स्क्वायर अल्फा। अब पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या थी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं, यू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस यू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यू कॉमन, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर यू क्यूब कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो पी इज इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, और u का रेसिप्रोकल क्या होता है r, तो इसको 1 अपॉन r क्यूब हम लिख सकते हैं, h और cosec अल्फा दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r क्यूब, और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉ ऑफ फोर्स इस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको इसी तरीके से वैल्यूज निकालनी है और p और r में रिलेशन डिफाइन कर देना है, और ये ध्यान रखना है कि उसमें थीटा वाला टर्म ना आए। देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपको लॉ ऑफ फोर्स से डिफाइन करना है, लेकिन ये लॉ ऑफ फोर्स पी और आर के टर्म्स में था, तो सेंट्रल ऑर्बिट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने करी थी उसमें एक फॉर्म पेडल फॉर्म भी थी, पेडल फॉर्म का डेरिवेशन भी हमने किया था, तो पी के टर्म्स में अगर दिया हुआ है तो आपको उस केस में पेडल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं वन अपॉन पी की वैल्यू निकालूं, तो वन अपॉन पी कितना हो जाएगा, टू ए अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर फोर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, डी पी अपॉन डी आर की, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस फोर आर की पावर कितनी हो जाएगी, फाइव नीचे आकर के, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे टू टाइम्स,
और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 a² अपॉन आर की पावर 5। एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब की वैल्यू चाहिए तो एच स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 8 a² अपॉन आर की पावर 5। और ये एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर जो पेडल फॉर्म थी वो किसके इक्वल था, पी के, तो इसका मतलब पी किसके इक्वल आ गया, 8 a² अपॉन आर की पावर 5। ये सब कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये पेडल फॉर्म का क्वेश्चन, बाकी पोलर फॉर्म के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ये जो क्वेश्चंस आज हमने किए ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड हैं सेंट्रल ऑर्बिट की, और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आगे के जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लॉ ऑफ फोर्स डिफाइन करना है आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।